दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में शेख अली के गुमटी मकबरे पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 नवंबर को डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि DCWA को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि वहां घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। कोर्ट ने इस अवैध कब्जे को रोकने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने CBI द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट की जांच करने के बाद रेसिडेंट्स एसोसिएशन को बहुत ही कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस धूलिया ने पूछा, आपने इसमें प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस पर DCWA के वकील ने कहा, हम दशकों से वहां थे। ये सुनकर जस्टिस धूलिया और भड़क गए और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये किस तरह का तर्क है। मामले में दखल देते हुए पीठ के दूसरे जज जस्टिस अमानतुल्ला ने कहा, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको खुली अदालत में बेदखल कर देंगे। इस पर DCWA के वकील ने कहा, असामाजिक तत्व आएंगे, लेकिन ये सुनते ही खंडपीठ और भड़क गई। पीठ ने कहा, आप औपनिवेशिक शासकों की तरह बोल रहे हैं, जैसे अगर हम भारत नहीं आते तो क्या होता। जस्टिस अमानतुल्ला ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को इस तरह से काम करने की अनुमति दी जा सकती है, हम बहुत हैरान हैं। उन्होंने कहा, ASI ने अपने ही आदेश के विरुद्ध काम किया है, 700 साल पुराने लोदी युग के मकबरे के लिए ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। इसके बाद पीठ ने मकबरे को हुए नुकसान का अध्ययन करने और उसके जीर्णोद्धार का उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।